Good morning. लास्ट क्लास के अंदर पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमारा लास्ट ऑफलाइन क्लास थी, जिसमें हमने ये टॉपिक हमारा चल रहा था, ठीक है। लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट की हम बात कर रहे थे। लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट है क्या? हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है उस पर हम इमेजिनरी लाइंस को जो हैं, कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं जिनको हम इमेजिन करते हैं, जिनमें लेटिट्यूडनल लाइंस और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं। हम बात यहाँ कर रहे हैं लेटिट्यूडनल लाइंस की, मतलब लेटिट्यूड है क्या, ठीक है। बताया था मैंने क्लास में कि 0 डिग्री पर जो है एक बिल्कुल सेंटर में, अर्थ के सेंटर में बिल्कुल एक लाइन, इमेजिनरी लाइन निकलती है, जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर के ऊपर और नीचे अगर हम 23.5 डिग्री अगर ऊपर चलते हैं या नीचे चलते हैं, तो फिर टू अलग अलग जो है हमारी इमेजिनरी लाइंस आती है, जिनको लाइन ऑफ या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं। कैंसर वाली ऊपर वाली होती है और कैप्रिकॉन जो है नीचे वाली होती है, ठीक है। ये सारा जनरली एसएसटी में हम पढ़ते हैं, लेकिन यह बायोलॉजी के अंदर इसका पढ़ने का क्या रीज़न है, वो ये है कि यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि इक्वेटर ट्रॉपिक रीजन के आसपास जो है वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हमको सबसे ज़्यादा मिलती है। यहाँ आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये भी बता रखा है कि ऐसा क्यों ऐसा होता है कि जो इक्वेटर है या ट्रॉपिक रीजन है वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। हम कहाँ तक हमारा हो चुका था ये वापस से एक बार इसको स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शो अ रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर मेनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स देर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न इन डाइवर्सिटी, द मोस्ट वेल नोन बींग द लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी। इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, ठीक है। विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, ट्रॉपिक्स लेटिट्यूडनल रेंज है उसकी कितनी, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, हार्बर मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरिया। कहने का मतलब ये है कि इक्वेटर से अगर हम 23.5 की तरफ चलते हैं या नॉर्थ की तरफ या 23.5 साउथ की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर हमें बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। अगर कंपेयर करें हम इससे आगे वाले जोन्स, जैसे टेम्परेट जोन या पोलर एरिया जो आते हैं उससे कंपेयर करें तो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर नेम दे रखे हैं सिटीज़ वगैरह के, या कुछ कंट्री के नाम दे रखे हैं जिनमें इन्होंने बता रखा है कि पर्टिकुलर कहाँ कौन सी कितनी स्पीसीज है, ठीक है। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज़ नियरली 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, वाइल न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री नॉर्थ हैज़ 105 स्पीसीज एंड ग्रीनलैंड एट 71 डिग्री नॉर्थ ओनली 56 स्पीसीज, ठीक है। तो इसमें समझाने का है कुछ नहीं है, आपको समझ में आ रहा है, ये सीधे सीधे आंकड़े दे रखे हैं। इंडिया विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लेटिट्यूड्स हैज़ मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। इंडिया विच मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लेटिट्यूड्स हैज़ मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। अ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेडोर फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेडोर हैज़ अप टू 10 टाइम एज मैनी स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट एज अ फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन द टेम्परेट रीजन लाइक द मिड वेस्ट ऑफ USA। मतलब इक्वेडर जो कि जनरली कहाँ प्रजेंट है, ट्रॉपिकल रीजन में प्रजेंट है, फॉरेस्ट का नाम है इक्वेडोर जो है फॉरेस्ट का नाम है, जो ये बोल रहा है कि टेम्परेट रीजन के अंदर मिलने वाला फॉरेस्ट, ठीक है, उसके कंपेरिजन में जो ट्रॉपिकल रीजन में मिलने वाला फॉरेस्ट है इक्वेडोर
उसके अंदर 10 टाइम ज़्यादा स्पीशीज प्रेजेंट है पर्टिकुलर वेस्कुलर प्लांट्स की, मतलब ट्रीज जिन्हें हम बोलेंगे, ठीक है। द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज़ ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। इट इज़ होम टू मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट, 3,000 ऑफ फिशेज, 1,300 ऑफ बर्ड्स, 227 ऑफ मैमल्स, सॉरी 427 ऑफ मैमल्स, 427 ऑफ एम्फीबियंस, 378 ऑफ रेप्टाइल्स एंड मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स। साइंटिस्ट एस्टिमेट डेट इन दिस रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी एट लीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर एंड नेम्ड। ठीक है, तो पैराग्राफ में समझने का क्या था, समझने का यही है कि इसमें ये बोल रखा है कि जो एरियाज ट्रॉपिकल रीजन के आसपास है या जो इक्वेटर के आसपास है उन एरिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू द टेम्परेट जोन और पोल्स। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट ये क्यों होता है, ऐसा क्यों है बायोडाइवर्सिटी इन जगह पर ऐसा क्यों है कि डिफरेंट है हमारी अर्थ पर बायोडाइवर्सिटी जो है अलग अलग जो है जोन में अलग अलग है, ऐसा क्यों है उसकी हम बात करते हैं। व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स दैट माइट अकाउंट टू दियर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड वेरियस हाइपोथीसिस। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को इकोलॉजिस्ट ने इसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए कुछ रीज़न इसके बताए हैं। ठीक है, वो रीज़न याद दे रखें। सम इम्पोर्टेंट वंस आर, फर्स्ट, स्पेसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। स्पेसिएशन का मतलब स्पीसीज से ही नई स्पीसीज का बनना। ठीक है, जो ओल्ड स्पीसीज है उससे नई स्पीसीज का बनना स्पेसिएशन कहलाता है। तो हमें यह पता है कि कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है, टाइम के साथ उसके अंदर क्या होते जाते हैं, चेंजेस आते जाते हैं और एक टाइम ऐसा होगा कि वो स्पीसीज अपनी पुरानी स्पीसीज से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगी, तो हम उसको क्या बोल देंगे कि एक नई स्पीसीज जो है वो इवॉल्व हो गई है। तो स्पेसिएशन इज़ जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो स्पेसिएशन जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम मतलब इसके अंदर कहना ये चाह रहा है कि स्पेसिएशन जो है वो टाइम पे डिपेंड करती है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो ग्रेजुअली जो है चेंजेस आते हैं। ठीक है, ग्रेजुअली चेंजेस आते हैं मतलब इवोल्यूशन होता है, तो एक जो पुरानी स्पीसीज थी उसके अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे टाइम के साथ कि एक नई स्पीसीज बन जाएगी। सम इम्पोर्टेंट वंस हो गए, अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रिक्वेंट ग्लेशिएशंस इन पास्ट, ट्रॉपिकल लेटिट्यूड्स हैव रिमेंड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियन ऑफ ईयर। अनलाइक टेम्परेट रीजन्स सब्जेक्टेड टू फ्रिक्वेंट ग्लेशिएशंस इन पास्ट। ठीक है, टेम्परेट रीजन के अंदर हमें पता है कि वहाँ पर क्या होता है, ग्लेशियर्स वगैरह टूटते रहते हैं, मेल्ट होते रहते हैं, पिघलते रहते हैं, बनते रहते हैं इन पास्ट, तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होता रहता है। लेकिन ट्रॉपिकल लेटिट्यूड्स हैव रिमेंड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियन ऑफ ईयर एंड दस हैड अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन। देखो सिंपल सा तरीके से कैसे समझेंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, दो पर्टिकुलर एरिया हम ले रहे हैं, ये दो पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, यहाँ कुछ स्पीसीज रह रही है, यहाँ भी कुछ स्पीसीज रह रही है, दोनों एरियाज के अंदर स्पीसीज रह रही है। ये एरिया ऐसा है जहाँ पर इन्वायरमेंटल चेंजेस ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्वायरमेंटल चेंजेस क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब हम इस एरिया को क्या बोलते हैं, वो जो टेम्परेट एरिया है वो वाले एरिया को मान लेते हैं जहाँ ग्लेशियर वगैरह और जहाँ बर्फ़ वगैरह जमती है, या इसको हम पोल वाला एरिया मान लेते हैं। तो यहाँ एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, यहाँ पर इन्वायरमेंट जो है कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो रीज़न है यहाँ पर जो है
पर्टिकुलर काफ़ी सालों से एक ही जैसा इन्वायरमेंट है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर ग्लेशियेशन जो है वो बार बार होता रहता है, ठीक है, बर्फ़ पिघलती रहती है जो है, कभी जमती रहती है, या ये यहाँ चीज़ कंटिन्यूस होती रहती है, मतलब यहाँ चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ कई सालों से कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, इन्वायरमेंट एक ही तरह का है। अब देखो कि यहाँ चेंजेस हो रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि यहाँ रहने वाली स्पीसीज जो हैं उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है कि उनको कंटिन्यूस जो है अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए उनके लिए सुटेबल हो। क्यों? क्योंकि मान लो एक स्पीसीज है वो लगातार चेंज होती जा रही है, और जैसे ही वो एक नई स्पीसीज बनने वाली है तो वहाँ पर क्या हो गया, इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ इससे कि जो नई स्पीसीज बननी थी वो स्पीसीज नहीं बनेगी। मतलब ये है कि टेम्परेट जोन में इन्वायरमेंट जो है, या बोल सकते हैं कि अडेप्टेशन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है किसी भी स्पीसीज़ का, वो चेंज हो रहा है। मगर जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ अडेप्टेशन है, इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी टाइम तक एक जैसा बना हुआ है, तो वहाँ पर एक कंटिन्यूटी बनी ही रहेगी कि स्पीसीज़ चेंज हो रही है और नई स्पीसीज़ बनने की चांसेस ज़्यादा होंगे। तो जितने ज़्यादा स्पीसीज़ बनेंगी तो सिंपल सी बात है वहाँ पर डाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें यही बोल रहा है कि अनलाइक टेम्परेट रीजन्स सब्जेक्टेड टू फ्रिक्वेंट ग्लेशियेशंस इन द पास्ट, ट्रॉपिकल लेटिट्यूड्स हैव रिमेंड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स एंड दस हैड अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो इसके अंदर यही बोल रहा है कि ग्लेशियेशंस कंटिन्यूस होने की वजह से वहाँ पर स्पीसीज़ को कंटिन्यूटी नहीं मिलती है, तो वहाँ डाइवर्सी या जो डाइवर्सिटी है वो बहुत कम होती है। बी, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक टेम्परेट वंस, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। सच कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट्स प्रमोट नीड स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स अनलाइक टेम्परेट जोन आर लेस सीजनल, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट जो है वो टेम्परेट जोन की कम सीजनल है। तो कहने का ये है कि रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल सच एज कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट। तो कहने का मतलब एक लाइन में ऐसे समझ लेते हैं कि जो ट्रॉपिकल रीजन का इन्वायरमेंट है वो कॉन्स्टेंट रहता है कंटिन्यूस, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट रहने की वजह से देखो ये जो है वो थोड़ा बहुत फर्स्ट पॉइंट से मिलता जुलता है, ठीक है। लेकिन वहाँ हम कई सालों की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम एक पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ इन्वायरमेंट जो है लगभग क्या होता है, कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। तो जो प्रमोट करता है ग्रेटर डाइवर्सिटी को, स्पीसी डाइवर्सिटी को, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स विच कंट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी, दिस इज टर्न माइट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी। देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स विच कंट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। तीसरा रीज़न इसका यह है कि हमें पता है कि इक्वेटर या ट्रॉपिक्स के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर सोलर एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर यह है कि वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, कि कितनी ज़्यादा किसी पर्टिकुलर एरिया में जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि जहाँ जितनी ज़्यादा सोलर एनर्जी होगी वहाँ प्लांट्स ज़्यादा होंगे, और प्लांट्स जहाँ जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही क्या हो गया कि नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, तो बोल सकते हैं कि वहाँ प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। दिस इज टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे।
ठीक है, ओके, थैंक यू।